वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना हुआ आज, और देखें हार तो बर्दाश्त हो ही जाती है अगर आप फाइट करके हार जाए, मगर इस तरह की हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, कोई ये डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए कि एक तो पहले भारत से पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है इमोशनल एक एंगल पे होता है, ऐसी स्टेज क्रिकेटर्स मांगते हैं जहां पे टफ सिचुएशन हो, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर लाख आदमी जब एक टीम को रूट कर रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो आप अपनी गेम को उठाते हैं और फिर हीरो बनते हैं। लोग बेइंतहा आए हुए थे और लोगों ने ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये भारत का मैच था। क्या ये अच्छा होता कि पाकिस्तानी फैंस भी आते और कोई 30-40% इसमें रन डाल सकते थे, पाकिस्तान शायद फिर भी ना जीतता, मगर ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में सारी जो फैंस हैं वो वेलकम होने चाहिए। तो अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। देखिए प्लस मोमेंट ऑफ द मैच दो एक बनते हैं, एक तो रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत लाजवाब थी, उसके बाद बुमराह की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी। बुमराह एक ऐसे बॉलर है जो कि एक्सप्रेस तो नहीं है मगर तेज बॉल करते हैं, और एक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड है मगर इतनी तेज बॉलिंग के बावजूद उनकी जो लेंथ है वो मीडियम पेसर जैसी एक्यूरेट है, गुड लेंथ पे बॉल करते हैं, विकेटों को एम करते हैं, फिर वहीं पे ऑफ कटर करते हैं। वो जो रिजवान को उन्होंने बोल्ड आउट किया वो शानदार बॉल था, और उसके बाद शादाब को आउट स्विंगर के ऊपर जो आउट किया, दोनों एक ही लेंथ पे बॉल गिरे और हिलने नहीं दिया उन्होंने। तो मिडिल फेज में जो भारत ने स्ट्राइक्स की वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था और उसको लीड किया जसप्रीत बुमराह ने। तो अब चलते हैं सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। देखिए सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच मेरे हिसाब से वो जो बुमराह की बॉलिंग है वो थी, क्योंकि उन्होंने आके पहले प्रेशर क्रिएट किया और एक सीधी सादी पिच के ऊपर लाजवाब बॉलिंग स्पेल किया, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। उनको बॉलिंग की समझ है, वो सवाल करते हैं और सवालों के जवाब देते हैं और बैट्समैन को देख के वो अपनी स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट करते हैं, और एक्सिक्यूशन लाजवाब है इसलिए कि हिलने नहीं देते हैं। ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई कर रहे थे बहुत सारे स्लोअर बॉल्स और वेरिएशन ऑफ पेस, उनको पता था कि अगला इम्तहान उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट है और स्लो पिच के ऊपर उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। ये ऐसी पिच थी जहां आप देख लें पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या हाल हुआ फास्ट बॉलर्स का, वहीं पे बुमराह ने दो विकेटें ली कुछ ही रन देके और प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने लाजवाब किस्म का। सो अब पाकिस्तान को आगे जाना है और आगे ऑस्ट्रेलिया से मिलना है, और ऑस्ट्रेलिया भी दो मैच हारे हुए हैं, सो उनकी जो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड को ये पकड़ सकते हैं पाकिस्तान। अब जीतना ही जीतना है, बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान अपने आप को उठाए, बाबर आजम को बहुत बात करनी पड़ेगी, और फिर आपका कॉम्बिनेशन बॉलिंग का उसके ऊपर भी तवज्जो और बैटिंग के ऊपर भी खास तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि जो सेट बैट्समैन है उन्होंने नैया पार करानी है। आज उसामा मीर शायद खेल जाते हैं मगर उनको बुखार था, वो तो ग्राउंड ही नहीं आए। सो मैं आगे चल के एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान अब एक दो जरूर एक्सपेरिमेंट करेगा सिलेक्शन के साथ, अदरवाइज अगर यही टीम खिलाते रहेंगे तो नतीजा कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं है, खासतौर पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस की जरूरत है। जैज लाया है अपने कस्टमर्स के लिए जीतने का एक और शानदार मौका विद जैज फैन पल्स। प्ले एंड विन बिग थ्रू तमाशा ऐप नाउ। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज पाएं जीतने के मौके।